हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समर डी के व्लॉग। समर डी के व्लॉग में आपका स्वागत है फिर से। और मैं फिर आपके लिए एक और गाड़ी लेके आया हूँ। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल है और 450X थर्ड जनरेशन। तो इसमें मैं आज पूरी आपको बताऊंगा कि इसकी डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स है, कैसे चलती है, क्या इसमें अंदर काम करता है, कैसे कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं इसको लॉक को ऑन करता हूँ। ऑन करते ही डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी। अब लाइट आने पे इसमें क्या क्या फंक्शन है वो आपको बताता हूँ। ये इधर आप दिखाई दे रहा है, ये है नेविगेशन। अगर हमें कहीं जाना है तो नेविगेशन को क्लिक करेंगे और इसमें डालेंगे कि हमें कहाँ जाना, तो ये डायरेक्शन आपको बताएगा। उसके बाद पहले हमें इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने फ़ोन से किसी से वाईफाई से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद फिर ये आगे फंक्शन काम करते हैं। साइड वाला फंक्शन बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये अभी इसकी 23% बैटरी है। 20 किलोमीटर चलेगा ये ई राइड में। इसमें चार मोड होते हैं, एक ई राइड है, दूसरा इको मोड है, पहला, दूसरा ई राइड है, तीसरा स्पोर्ट मोड है, चौथा रैप मोड है। तो सब में अलग अलग है। जैसे रैप मोड में चलेगा 19 किलोमीटर, उसके बाद स्पोर्ट मोड में चलेगा 20 किलोमीटर, और ई राइड में चलेगा 20 किलोमीटर जाएगा, और इको में जाएगा 21 किलोमीटर। मतलब 23% इसकी बैटरी है और उसमें कितना कितना जाएगा वो पूरी इसमें डिटेल है। उसके बाद इसको यहाँ पे बंद करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गया। जैसे हमें से किसी से ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे इसमें ओडोमीटर आ रहा है, ट्रिप मीटर आ रहा है, कितना चला है, कितना आ रहा, पूरी डिटेल है। करंट राइड कितनी है, ओडोमीटर अभी 3000 चल चुका है, ट्रिप ए और एवरेज मतलब लगभग आज सुबह से लेकर कितना चल चुका है ये है। उसके बाद जैसे हम इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा कि किसके नाम गाड़ी है। इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसी के अंदर अपलोड कर सकते हैं आप। ये अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेल आइकन है और ये आपको इधर गौर से देखेंगे तो इधर आ रहा है स्टैंड का निशान। ये स्टैंड जो लगा रहेगा तो स्टैंड इसमें शो करता रहेगा, अभी स्टैंड लगा हुआ है। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर आपके पूरा सिस्टम है, इसमें क्या क्या फंक्शन है ये आपको बारे में आपको बताता हूँ। ये आप देखेंगे तो ये है अपना ब्राइटनेस। अब जैसे इसको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेंगे दिखाई दे जाएगा आपको। तो जैसे इसमें अभी आप देखेंगे ये डिस्प्ले में आ रहा है, ये किसके नाम है ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स इसी में अपलोड कर सकते हैं। ये इधर देखेंगे साइड स्टैंड का निशान आ रहा है। जैसे हम साइड स्टैंड हटाएंगे तो ये यहाँ से एरर हट जाएगा। अब इधर डिस्प्ले में देखेंगे, ये डिस्प्ले ब्राइटनेस का है। उसके बाद ये कॉल ऑन का है। इसी से हम जब हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ से तो कोई कॉल आएगी हम इसी से उठा सकते हैं और इसी से हम काट सकते हैं। ये इंडिकेटर है, अगर जैसे हम कोई भी इसमें कोई फंक्शन हम इंडिकेट करते हैं उसको ऑन करते हैं तो उसमें बीप बजेगी, ये उसका है। ये पार्क असिस्ट स्टार्ट, जैसे हम गाड़ी को रोकते हैं उसको ये असिस्ट आवाज़ आएगी कि हाँ गाड़ी खड़ी होगी। ये स्मार्ट इको है, ये ऑटो होल्ड है। उसके बाद ये लगभग ज़्यादा सारे फीचर्स पूरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो ये स्विचेस हैं अब इनके बारे में आपको बताता हूँ। जो ये स्विचेस है ये काम करता है जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम इसको ऑन करने के बाद जैसे हम स्टैंड हटाएंगे, स्टैंड हटाने के बाद में ये डिस्प्ले आपको आ गई। अब जैसे हम इसको एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके हम इसको दबाएंगे, ये है इसका स्टार्ट मोड। इसको स्टार्ट मोड को ऑन करते हैं आपको दिखाई देगा ये चेंज होगी डिस्प्ले। डिस्प्ले चेंज होने के बाद में अभी ये लिखा हुआ आ रहा है रैप मोड में चलेगा ये 19 किलोमीटर। इसको जैसे हम प्रेस करेंगे ये आ गया स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट में चलेगा 20 किलोमीटर। एक बार और प्रेस करा, उसके बाद लिखा हुआ राइड मोड, राइड मोड में भी 20 किलोमीटर जाएगा। फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो आगे स्मार्ट इको मोड, उसमें चलेगा 21 किलोमीटर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मोड चेंज करने का ऑप्शन स्विचेस है, ये स्टार्ट करने का स्विचेस है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको ऑन ऑफ का है। अब ये ऑफ हो गया, ये नॉर्मल डिस्प्ले आ गई। इसमें डिस्प्ले में कोई हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये आगे ये काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसको चलाएंगे तो चालू हो जाएगा, ये चालू हो गया। एक इसमें ये है, जैसे ये है, ये इसका हॉर्न का है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स का है, इंडिकेटर्स पे शो हो रहा है और आवाज़ भी कर रहा है, बीप भी कर रहा है दोनों साइड का। उसके बाद ये हाई बीम और लो बीम, अभी ये हाई बीम है और ये लो बीम है, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। ये हाई बीम की लाइट का निशान आ गया और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो लो बीम तो चालू है ही। अब इसमें एक फीचर और है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे ही हम इसका बैक गियर के लिए अगर हम कुछ करना है तो जस्ट इसको ऐसे करके इसको इधर करना है और ये ऑटोमेटिकली बैक गियर लग गया इसका। और हम जैसे इसको प्रेस करेंगे, एक्सेलेटर को थ्रॉटल देंगे तो ये पीछे जाने लगेगा। और जैसे हम इसको डिस्कनेक्ट करना तो इसको ले जाके बस ऐसे करना और ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये नॉर्मल मोड में हो गया, अब इसको आगे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वीडियो हो गया इसके बारे में। डिस्प्ले में जितने भी इसके फंक्शन थे मैंने आपको टोटली बता दिए। अगर कोई फीचर छूट गया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके बारे में दोबारा वीडियो बना दूंगा।
दूसरा, अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ उसको वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।